हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइस से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज कम बैक, कोई किसी से कह रहा है कि प्लीज वापस आ जाओ जिंदगी में, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है, किसका सच्चा प्यार है देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई किसी को छोड़ के गया है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू लव है, शायद कोई एक है जो प्यार करता है, या हो सकता है दोनों प्यार करते हों। चलिए अब हम देखेंगे आगे क्या आता है। प्लीज डिवाइन हमारी व्यूअर्स, कोई हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है इसलिए थर्ड पार्टी आई हो। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज बताइए। टू ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, म्यूचुअल लव, ठीक है, एंड लव यू की एनर्जी है। ट्रू लव, टू ऑफ कप्स, लव यू, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जरूर आई है, लेकिन प्यार है यहाँ पे, ठीक है। ट्रू लव है, सच्चा लव है, और शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी हो सकता है कोई कर्मा हो सकता है उसकी वजह से रही हो, या फिर हो सकता है किसी को एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है या लेने के लायक नहीं है कोई। देखते हैं कार्ड से क्या आता है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए। आज रीडिंग थोड़ा सा जल्दी में करेंगे बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गए हैं बहुत ज्यादा। ये तो मैथ का क्वेश्चन चल रहा है, 2, 2 एंड 4, ठीक है। फिर 7 कैसे हो गया भाई, 8 होना चाहिए था। यहाँ पे चीटिंग है, दो सिचुएशन है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं यहाँ पे, ये सिचुएशन है। द लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जगलिंग की सिचुएशन है, ये जगल कर रहे हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बताते हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यस, जगलिंग है, एक तरफ पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, प्यार है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही, म्यूचुअल लव, शायद किसी एक ने प्यार देना बंद कर दिया बिकॉज यहाँ पे प्लीज कम बैक की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स का मतलब होता है सोलमेट की एनर्जी, जहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव की एनर्जी, बट म्यूचुअल शायद अब नहीं रहा है, कोई एक इंसान है जो अब प्यार कर रहा है, शायद दूसरा इंसान बैकआउट कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज कम बैक, ठीक है। या एटलीस्ट किसी ने प्यार देना बंद कर दिया है, प्यार खत्म तो इतनी आसानी से नहीं होता है, ट्रू लव है तो, लेकिन हाँ शायद देना जरूर बंद कर दिया है, दिखाना जरूर बंद कर दिया है। एनीवे, आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, इन्हें कहीं अपनी एक तरफ इनका सच्चा प्यार है, प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, इन्हें पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, जगल कर रहे हैं। टू ऑफ
सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते। टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिससे प्यार करते हैं ये उसी को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन कंफ्यूज हैं थर्ड पार्टी और आप में कि इन्हें यही नहीं पता है कि इनका सच्चा प्यार है कौन, किससे ये प्यार करते हैं, कौन है इनका सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है, ये प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं, बट कंफ्यूज हो रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये किसी को अपनी कोई है जो इनकी याद है, इनके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपके पर्सन के पास ऑप्शन है बट इनके पास ही किसी की यादें हैं बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने अपने दिल में भर के रखी हुई हैं, जो इसे जिसे ये जाने नहीं देना चाहते, या कोई पर्सन हो सकता है जिसको ये जाने नहीं देना चाहते, या कुछ ऐसी बुरी अच्छी बुरी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इन्होंने पकड़ के रखी हैं, जो कि इन्होंने बहुत अंदर अपने होल्ड करके रखी हुई हैं, जहाँ जिसकी वजह से ये जो ये जिसको ये खोना नहीं चाहते। ठीक है, या बातों को जाने नहीं देना चाहते, उनको लेट गो नहीं करना चाहते, बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ है जिसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उसे ख़त्म नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। इसी की वजह से हो सकता है आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, उधर बढ़ सकते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनको शायद पता नहीं है, काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर ही दबा के रखा है, उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। इनके क्राउन चक्रा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। फाइनेंसिस का भी इनकी ज़िंदगी में इशू हो सकता है कि ये थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, या इस वक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां ये पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, उसी की वजह से डिले हो रहा है अभी। द हाई प्रिस्टिस को क्लैरिफाई करिए, द हाई प्रिस्टिस को सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है, दो दो एनर्जी इनकी हाई सीक्रेटिव है। अगेन टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जगलिंग बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, आप फैमिली में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, और अदरवाइज इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। सीक्रेटिव है काफ़ी कुछ, ठीक है, फैमिली में कुछ ना कुछ है, हो सकता है काफ़ी कुछ शायद फैमिली से भी अब अपनी बातें रिवील नहीं करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, ये खुद ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ये अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, बट शायद इन्हें उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो बंदा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, किधर जाएं, कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ नहीं सकते, ऑप्शन है इनके पास लेकिन जिसके पास जाना चाहते हैं वो शायद इनको अब अपनाना ही नहीं चाहता, उसके बीच में दोनों के बीच में म्यूचुअल लव खत्म हो गया एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक इंसान प्यार कर रहा है, आपके पर्सन उस इंसान से प्यार कर रहे हैं, बट वो पर्सन इनको आपके पर्सन को वो थर्ड पार्टी जो है वो प्यार नहीं कर रही है। अब थर्ड पार्टी है कि आप नहीं मालूम है, क्योंकि ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ये उनकी उनका दिमाग हम रीड कर रहे हैं। अभी हम उनकी एनर्जी आपके लिए देखेंगे तो समझ आएगा कि आपके लिए है कि किसके लिए है। ठीक है, नए व्यूअर्स को बता दूं, मैं रीडिंग को दो पार्ट्स में करती हूं। फर्स्ट, आप आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, सेकंड हाफ में उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, लवर्स को, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान मंदिर वंदिर में जा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत रिग्रेट है इन्हें। ठीक है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, स्लीपलेस नाइट है इनको उस पर्सन के लिए जिससे ये प्यार करते हैं, उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा रोमांस आ रहा है, ये ट्रैवल करके उधर जाना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वहाँ जाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में ये। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी काफ़ी कुछ है, इनके जो स्लीपलेस नाइट है, इनकी प्यार है इन्हें, बट हो सकता है इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये इनका ट्रू लव है कि इनको सिर्फ अट्रैक्शन है उस इंसान से। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इनके माइंड में, चीटिंग है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व यहाँ पे, चीटिंग ये चीज़ हो, पास्ट में इन्होंने चीटिंग किया है शायद, तो वही चीज़ इनके माइंड में बार बार चल रही है, या तो आपके पर्सन उस पर्सन पे या आप पे शक कर रहे हैं कि चीटिंग इनके साथ हो रही है, आपके पर्सन के साथ हो रही है, अदरवाइज इनको खुद ही अपने देख रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में कितना चीटिंग किया है, कितना गलत बोला है, अभी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ इनके पास ऑप्शन है बट इनका दिल करता है उस इंसान के साथ अपनी शुरुआत करने का जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान अब इनसे प्यार शो नहीं कर रहा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान इनसे प्यार ही नहीं करता, तो अब इनको समझ ही नहीं आता है
कि उस इंसान के पास वापस जाने से इनको क्या मिलेगा, क्या वो इंसान जब प्यार ही नहीं करता है, जब तो जब दोनों म्यूचुअल लव होगा ही नहीं तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, मजा कैसे आएगा जिंदगी में, कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है, लेकिन आगे भी इनसे बढ़ा नहीं जा रहा है। ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, जोड़िक साइन में बता देती हूँ, एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस सभी हैं। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, कर्क राशि मिथुन राशि, स्टैंड लेना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है इनकी, जहाँ चीज़ें खत्म हो गई थी वहाँ पर ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं, बट अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे फैमिली से उस रिश्ते के बारे में बात की जाए, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि किस तरीके से चीज़ों को अब सही किया जाए, ठीक है। अगर फैमिली का अगर रिश्ता सामने वाले से चलाना है, वो नाराज है, उसने कह दिया है कि कमिटमेंट चाहिए, तो अब फैमिली से कैसे बात करी जाए, या फैमिली को पता है सब कुछ ठीक है, आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के लिए अगर देख रहे हो तो भी कैसे हिम्मत करी जाए, क्योंकि पास्ट में ये चीटिंग कर चुके हैं, पास्ट में थर्ड पार्टी को चूज़ कर चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए अलग होती है, नए व्यूअर्स को बता दूं, थर्ड पार्टी वो होते हैं जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, वो फाइनेंसिस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी, हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर लग रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कैसे सब कुछ चीज़ें होगा, फैमिली को कैसे राजी करेंगे, या इसको घर में ले आएंगे तो उसको वो सब कुछ कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे हम, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ हम कैसे दे पाएंगे, जिस इंसान के साथ बढ़ना चाहते हैं वो अभी इनको ये लग रहा है कि अगर उस इंसान से मैरिज कर भी लिया और अगर वो तैयार भी हो गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, ठीक है, या कैसे उठाऊंगी, ठीक है, उसको वो सब कुछ कैसे दे पाऊंगा, टेन ऑफ पेंटिकल उसको जो मैं देना चाहता हूँ, तो उनको बहुत हिम्मत चाहिए, इसलिए इनकी स्लीपलेस नाइट है बहुत ज़्यादा। पैशनेट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, फायरी एनर्जी भी है इनको, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, कहीं जाना भी चाहते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। ट्रांसफ़र मूवमेंट किसी तरीके का हो सकता है इनका कहीं किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया हो, या ये खुद कराना चाहते हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, प्यार तो है लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है, आपके पर्सन को काफ़ी डर लगता है थर्ड पार्टी से निकलने में। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं आप, ठीक है। जब मैं शफलिंग करती हूँ तो अपने पर्सन का नाम दोहराया करें, उनके चेहरे पर फोकस किया करें। प्लीज डिवाइन वन टू एंड थ्री, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताओ। आप तो इनको बोझ ही लगते हो, बर्डन लगते हो, बर्डन नहीं मतलब ऐसा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है भाई 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 भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है आप लोगों के बीच में, एक साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, फार्म सारे ही जोड़े साइन है बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी का सिर्फ एक कार्ड बचा है, बाकी सारे तीन कार्ड थर्ड पार्टी के आ गए, चार ही होते हैं, चार में से तीन आ गए, ठीक है, तीन एलिमेंट आ गए थर्ड पार्टी, हो सकता है मल्टीपल थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है, कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि सारे तरीके का रायता आपकी, मतलब पूरा प्लेटर है आपके पास थर्ड पार्टी का। पैसे की तंगी है, ठीक है, पैसा भी नहीं है, उसके मॉनिटरी गेन आने का भी वेट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी कोई लविंग थर्ड पार्टी है तो वो भी उसके जाने का या उसको वो भी एक प्रॉब्लम है, उससे भी सॉल्व करने की मतलब इनकी जिम्मेदारी है, मतलब करना चाहते हैं, उसका भी बर्डन है। यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, ठीक है, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हो सकती हैं, जहाँ इन्होंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स सोच रखे हैं, मुझे ये करना है, और शायद आपके साथ रहने से इनकी वो महत्वाकांक्षाएँ पूरी नहीं होती, कुछ इन्होंने सपने ऐसे सजा के रखे होंगे, कि हो सकता है आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए बाकी सभी साइन है,
प्लीज डिवाइन टैन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन टैन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। बहुत कुछ है शायद जो कह नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं बट इनको डर लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है और इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनके पास खुद के पास पैसा है नहीं। शायद ये खुद ही थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है, थर्ड पार्टी किसी भी, मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ पहले ही, तो थर्ड पार्टी के ऊपर ये हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने सपोज फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है तो फैमिली ने कहा कि अगर ठीक है जाओ करनी है शादी कर लो जाके, अगर करने हैं तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से, हमसे मतलब मत रखना, हमसे वास्ता मत रखना किसी तरीके का। वहाँ पे एनर्जी अगर हस्बैंड या वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है तो इन्हें लगता है कि अगर वहाँ से निकल आए तो हम इस आपकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं बट इनको ये लगता है कि अगर स्टैंड लिया चीज़ें ऐसे करनी तो फिर कैसे होगा, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले कैसे उठा पाऊंगा या उठा पाऊंगी, स्पेशली लड़कों के लिए यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है, अगर आप लड़कों के लिए देख रहे हैं तो, लड़की हैं तो वहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये कैसे इतना बर्डन झेल पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएंगे अगर स्टैंड भी लिया तो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का खौफ इतना है कि ये जाके स्टैंड ले कैसे पाएंगे थर्ड पार्टी के पास में, ठीक है। अगर पेरेंट्स हैं या हस्बैंड या वाइफ है तो उससे इतना डरते हैं, इतना प्रेशर में है कि कैसे जाके उसको बोलेंगे जाकर के, ठीक है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत बर्डन है इनको, दो सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ये। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, भाई साहब पैसों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते बेसिकली आपकी। अभी आपके पर्सन, आज की रीडिंग उनके लिए है जहां आपके पर्सन फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और जहां इन्हें ये लगता है कि अगर ये आपको ले भी आए अपनी ज़िंदगी में तो ये आपको क्या दे पाएंगे, कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे, क्या ही कुछ आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। वो लग्जरी, वो सब कुछ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, अपनी करियर पे काम करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये कमिटेड फील करते हैं खुद को आपसे, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, मैं डिवाइन नहीं कहूँगी बिकॉज जब जिस दिन आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट बन जाएंगे, अक्सर लोग बोलते थे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो ना तो अभी आप डिवाइन हो ना ही आपके पर्सन अभी है, तो आप दोनों ही अभी डिस्टॉर्टेड हो। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो भी डिस्टॉर्टेड हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिवाइन होते तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, आपकी यूनियन हो गई होती, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के केस में यही सिचुएशन है कि आपके पर्सन को कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता, हो सकता है उनकी फैमिली ही हो सकती है यहाँ पे, बट ऐसे काफ़ी यहाँ पे फैमिली की कोई ऐसे अभी तक के कार्ड्स में कोई एनर्जी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी है सबके लिए अलग अलग होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये ऑलरेडी आपके लिए कमिटेड है बट थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो करेंगे, ये अभी थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे, क्योंकि इनको ये है कि पहले बैलेंस, पहले खुद को इस लायक तो बना लें कि आपको कुछ दे सके, तब तो आपको ऑफर करें, तब तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आए, इनकी ये एनर्जी है। सो आपसे कमिटेड है बट डिटैच बिहेवियर, दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। जीतना चाहते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये जीत नहीं पा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हर चीज़ सेलिब्रेशन हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, आप दोनों के बीच में आप दोनों मिल जाओ, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, आप मतलब सेलिब्रेशन करो, घूमो फिरो, खूब मज़े करो, पार्टी शार्टी करो, ये वही सब कुछ चाहते हैं। बट इनको लग रहा है कि शायद वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये आपको नहीं जीत पाएंगे, ये आप ये जीत ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और इन्हें ऐसा लग रहा है तब तक आपको ये खो देंगे, ठीक है। जब तक ये ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे या चीज़ों को सही करेंगे या आपका भरोसा जीत पाएंगे कि ये आपको कुछ करें, क्योंकि अभी तो आप शायद आप भरोसा ही नहीं कर रहे अपने पर्सन पर। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक ये इस लायक बन पाएंगे कि आपको कमिटमेंट दे पाएँ, ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी से बाहर आए, जहाँ आपसे डिटैच बिहेवियर मुँह फेर के ना बैठें, आपकी तरफ देखें, आपकी तरफ आएँ, अपना कप ऑफर करें, जब तक ये नौबत आएगी तब तक इन्हें ऐसा लग रहा है ये आपको खो देंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हद तक तो इन्होंने अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे,
तो ये चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये अभी इस लाइक नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, ठीक है। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त आप लोगों के बीच में। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने आपकी जिद के हिसाब से अगर इन्होंने आपसे मैरिज कर भी लिया तो ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, सिवाय कलेश के कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी अगर और बिना शादी किए भी अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो भी कलेश होने का पूरी पूरी संभावना है, इनको पता है। और ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि किसी तरीके की टेंशन क्रिएट हो, किसी तरीके का रायता फैले, प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, आपसे भी दूर रहना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर रहते हैं, हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहते हो या दूसरे कंट्री में, मोस्टली दूसरे कंट्री में रहते हो, दूसरे देश में रहते हो, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हो सकता है ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, उनका ये भी सपना हो। सेवन ऑफ कप्स की नजरिए, इनके पास ऑप्शन है और ये शायद आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं कि आप शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। द हार्मिट की नजरिए, यस मदर इशू काफ़ी लोगों के लिए आ गया, मदर इशू मैं सोच ही रही थी वही हो गया। द कन्या राशि विर्गो हो सकते हैं, पाइसिस मीन राशि है यहाँ पे, और सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो जो कर सकते हैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ लोग इन्हें भड़काते हो आपके खिलाफ कि आप गलत हो, आप बुरे हो, कुछ भी आपको बारे में बोलते हैं कि आपको एक ऑप्शन की तरह, आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे अपने पार्टनर को। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट में बोला हो या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी बोल रहे हो। तो आपके पर्सन चीज़ों को सही ढंग से सोचना चाहते हैं, हो सकता है इनकी किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो अभी इन्हें चीज़ें थोड़ी हद तक पहले के कंपेरिजन में क्लियर नज़र आने लगी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, अकेले में बैठ के सोच रहे हैं कि गलती किसकी है, आपकी गलती है, उनकी खुद की गलती है या थर्ड पार्टी की गलती है यहाँ पे, ठीक है। मदर इशू है यहाँ पे कन्या राशि, और इन्हें रिग्रेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मूड जो है ना वो बहुत ख़राब होता है। रातों को हो सकता है ये काफ़ी जाग रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी चाहिए, इन्हें जीतना है, इन्हें पैसे वाला भी बनना है और साथ में आपका प्यार भी जीतना है। अगला ही कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल का, मतलब इन्हें पैसे पे, अपने करियर पे काम करना है, रिश्ते पे भी काम करना है, क्योंकि ये खो नहीं सकते आपको, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। द टावर की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कुछ लोगों के लिए ऐसे हुए हैं जहाँ आपने कुछ ऐसा एक दूसरे को बोला है जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को हर्ट कर गया है, आपका बोला हुआ, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे एक टावर मोमेंट लिया हुआ है। ये अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत इमोशनल है, हो सकता है आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो जहाँ आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर को पहले दिया है भविष्य में, और ये अब चाहते हैं कि आप अभी भी दो, ठीक है, जो कि आप नहीं दे रहे हो, आपने देना बंद कर दिया है वो प्यार, ठीक है, और ये उस प्यार के आधी हो गए हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, प्यार इनकी ज़िंदगी की खुराक है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको भी नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन फैमिली थर्ड पार्टी जो भी है वहाँ से भी निकल नहीं सकते, या अगर फैमिली है तो पेरेंट्स हैं तो इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकते उनको, ये आपके प्यार को डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक ब्लेसिंग समझते हैं, ठीक है, इसीलिए चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। अगेन शायद मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ टाइम ये एनर्जी आई है टू ऑफ कप्स की, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस कर लो, थर्ड पार्टी के साथ जो भी सिचुएशन है आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए मतलब लिए देख रहे हो और आप अपने हस्बैंड से अलग इसलिए हुए हो क्योंकि आपकी मदर इन लॉ या उनकी फैमिली में कोई मदर फिगर हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी बात आपको माननी पड़ती है, तो इस वजह से ये हो सकता है आपको बोल रहे हैं कि उनकी बात मान लो ताकि हम साथ में बने रहें, प्लीज़ एक दूसरे के प्यार हमारा एक दूसरे के लिए बना रहे, तो ये बैलेंस कर लो, ऐसा चाह रहे हैं, और नहीं तो ये क्योंकि ये आपसे प्यार की उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करो वापस, ठीक है।
जब आप इन्हें प्यार करोगे, वो पैशन दिखाओगे, तभी आपकी तरफ आप बढ़ेंगे, अदरवाइज ये अभी रुके हुए हैं, थोड़ा सा फाइट बैक करने के मूड में है आपसे भी और ऑब्स्टिकल से भी। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इनका इरादा सेजिटेरियस हो सकते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करने का है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वही अगेन सेम एनर्जी आ गई है पूरी, ठीक है। स्कॉर्पियो है, स्ट्रेंथ है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। एक आपको हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, या तो करियर है आप लोगों के बीच में, तो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हमारे हमने क्लैरिफाई कर लिया था ना ये सारे कार्ड्स, कर लिया। अगर कैरियर प्रॉब्लम है तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, जल्दी मत करो। हम जैसे ही मेरा कैरियर सेट होगा मैं तुम्ही से मैरिज करूंगा, ठीक है, तुम्हारे पास ही वापस लौट के आऊंगा। अगर मैरिज आप लोगों को नहीं करनी है, उस कंडीशन में भी आपके पर्सन यही कहेंगे कि वो आपके पास फिर से वापस लौट के आएंगे हमेशा के लिए, जब उनके पास उनका फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा, ठीक है, या कमिटमेंट आपको देंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस डेक से बताइए। द हाउस की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी, यस। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनका इरादा आपके साथ सब कुछ जैसे है वो बढ़ने की, आपके साथ एक अच्छा घर आपको देना चाहते हैं, आपकी सारी लग्जरी पूरी करनी चाहते हैं, सब कुछ आपको वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का प्रॉब्लम अभी यह है कि या तो इनके पास जॉब है नहीं, और अगर है तो बहुत छोटी है जिसमें इनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो ये आपकी ज़रूरतें पूरी कहाँ से करेंगे। 20 नंबर 34 नंबर, ठीक है, 7 नंबर 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पर्सन की फैमिली, उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि आप उनके भाई बहन जो भी हो सकते हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ में रहो, और आपको एक सेपरेट घर देना, आपके साथ रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर मैरिड नहीं है, उसके मैरिज करनी है, तो भी वही सिचुएशन है कि उनकी फैमिली जो है वो शायद आपके साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, तो वहाँ वो आपसे ही झुकने की, थोड़ा सा रुकने को कह रहे हैं कि आप वेट करो, जैसे ही मैं सेटल हो जाऊँगा वैसे ही मैं तुम्ही को कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, जैसा भी है यही है इनकी एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन फाइनेंशियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं, वो ताकत ही नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, 9 नंबर 13 नंबर 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग दोनों ही शायद एक दूसरे के अपने अपने दुख को अकेले में सह रहे हो, आप एक दूसरे को अपनी बातें बता नहीं रहे हो, आप एक दूसरे के ऊपर जाहिर भी नहीं कर रहे हो कि आप दुखी हो कि क्या हो, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ मतलब कुछ बता नहीं रहे हो, दुखी हो बट कह नहीं रहे हो, चुपचाप हो, खामोश हो एकदम। यहाँ पे तो उस चीज़ की एंडिंग होने वाली, बिकॉज 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। डिलेज है आप लोगों के बीच में, 4 नंबर डिलेज को दिखाता है, तो आप लोगों को ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, आपके पर्सन की ज़िंदगी में आएंगे और आपके रिश्ते में भी आएंगे और खुद आपके अंदर भी आएंगे, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, वो बदलाव जो आपके लिए, आपके रिश्ते की वेलबींग के लिए ज़रूरी है, वो जैसे ही आ जाएंगे चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। चलिए, अगर रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे मैसेज क्या देना चाहते हैं। आई विल टेक आउट ओनली 3 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। क्या हमारा प्यार खत्म हो गया है, म्यूचुअल लव की एनर्जी, एक्चुअली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट के साथ साथ इस चीज़ को भी दिखाती है कि आपके, जैसे मैंने बार पहले भी ये चीज़ बोली थी कि म्यूचुअल लव, जहाँ आपके पर्सन तो आपसे प्यार करते हैं उनको ऐसा लगता है, बट आप उनसे प्यार नहीं करते हो ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, और यही है उनके कन्फ्यूज़न की वजह, कि उनको अगर ये पता चल जाए कि अब आप कभी नहीं मानोगे, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी ऑप्शन लें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब कुछ ठीक होना ही नहीं है तो अफोर्ड करने का क्या ही मतलब है। हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए है, ये आपसे उम्मीद ये करते हैं कि मेरा वेट कर लो, मैं जैसे ही सेटल हो जाऊंगा वैसे ही आपके पास आऊंगा, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए।
कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि अभी बॉटम में देखा था। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप बहुत प्योर हो, बहुत अच्छे हो, आप अपने पर्सन को मिल कैसे गए, उनको इसी बात का डाउट लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो इतने अच्छे पैकेज के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। ओनली वन लास्ट वर्ड कार्ड बाबू जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी देर इज़ नो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है उनका, आप भरोसा कर लो। ठीक है, यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कॉन्ट फॉरगेट यू। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किया कि नहीं किया मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या तो आपने कुछ ऐसी बातें उनसे बोली हैं जो उनको अंदर, उन्होंने फोर ऑफ पेंटिकल बन गए, अंदर ही भर के रख लिया है, या कुछ ऐसा बर्ताव या कुछ ऐसा कुछ कुछ तो हुआ है जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि आप कभी ऐसे भी बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही है आप लोगों के बीच में कि आपके पर्सन को आप पे अब लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद हमारा प्यार जो है ना वो ख़त्म हो गया है, अब वो आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि नहीं भरोसा करो मेरा कोई थर्ड पार्टी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे क्योंकि आपके पर्सन आपके पास वापस लौट रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप पूरे कंपैशन, पूरे मन के साथ उस रिश्ते को अपनाएं, चीज़ों को ठीक करें आप। और मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनाएं आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये कि उस चीज़ को आप फील करना है आपको। ठीक है, पूरे फॉरगिवनेस, किसी से कोई गलती हुई है तो आपको उसे माफ़ करना है, और पूरी यही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी दिल में गर्जिस भर के नहीं रखने हैं, कहीं कुछ गलत बोल दिया, कहीं कुछ गलत कर दिया है तो उस पर मट्टी पाव वाली एनर्जी है, फॉरगिव करना है आपको। ठीक है, फिर बेशक आप चाहे इस इंसान के साथ अपनी शुरुआत ना करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, किसी और के साथ बढ़ जाओ, या किसी के साथ नहीं बढ़ो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ जाओ, जो भी आप करो, लेकिन आपको इस वक्त इस इंसान को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चाहे आपको इस पर्सन से रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों ही सूरत में आपको इस इंसान को माफ़ करना है, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कंपैशन की एनर्जी है यहाँ पे, आपको पूरे एंथुसियाज्म के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, यही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए इस वक्त, ये है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।